नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीजी पावर स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीजी पावर स्टॉक की कुछ फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में, साथ ही साथ हम सीजी पावर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सीजी पावर का स्टॉक आज के समय में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका कारण साफ है, आपने देखा होगा कि कई दिनों से इसमें अपर सर्किट लगते हुए नजर आते रहे हैं। क्यों लग रहे हैं अपर सर्किट, इस बात को भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये स्टॉक सन 2016-17 की बात करें तो लगभग 200 रुपए का हुआ करता था, लेकिन इसमें घोटाले होते रहे और स्टॉक 2018 तक लगभग 100 रुपए के करीब पहुंच गया। उसके बाद धीरे धीरे कम होकर ये लगभग 50 रुपए तक पहुंच गया। उसके बाद इसमें एक और बड़ा घोटाला सामने आया। इसके जो प्रमोटर्स थे, इन्होंने लोन तो कंपनी के नाम पर लिया लेकिन पैसा कंपनी में नहीं पहुंचा, यानी कि पैसा कंपनी के नाम पर निकलवाया बैंकों से लेकिन पैसा किसी दूसरी कंपनियों में लगाया, सीजी पावर में नहीं लगाया। इसके कारण कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज के बोझ के तले दब गई और यहाँ पर जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगा। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में इस स्टॉक ने 5 रुपये का लो बनाया, 5 रुपये का लो। जो स्टॉक 200 रुपये का हुआ करता था वो 5 रुपये का लो बना के बैठा था। अब क्या बात हुई, अब देखिए, एक कंपनी आई मुरुगप्पा ग्रुप की ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके, उसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, लगभग 550 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लिया। उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। आपको बता दें कि सीजी पावर क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी सभी जानते हैं, कंपनी अपने आप में एक ब्रांड है और कंपनी की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बिकने में और कंपनी बिक गई। मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी अब सीजी पावर भी है, क्योंकि ये जो कंपनी है अब मुरुगप्पा ग्रुप के पास है। मुरुगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उसके पास इसकी जो है अथॉरिटी है, अब पूरी कंपनी जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के पास है। तो अब देखिए, कंपनी में सब कुछ सुधर गया है, कंपनी पहले की तरफ चल चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास जो लिस्ट है ऑर्डर्स की, यानी कि जो प्रोजेक्ट की, वो बहुत लंबी है। हालांकि कंपनी के पास पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कंपनी के पास पैसा नेक्स्ट मंथ से मिलने वाला है। ये देखिए, मार्केट में न्यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा अभी मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में कंपनी के पास पैसा मिलने वाला है। और आपको बता दें कि बिकने के बाद कंपनी को 109 करोड़ का मुनाफा एक क्वार्टर टू में होता हुआ नज़र आया। कंपनी जो है पूरा का पूरा रेलवे के लिए काम करती है और रेलवे के जो इक्विपमेंट होती है, जैसे बड़े बड़े मोटर, वो सब कंपनी रेलवे के लिए बनाती है। तो देखिए, बड़े बिजनेस में कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, कंपनी बहुत बढ़िया है और यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। अगले महीने कंपनी के पास पैसा भी आ जाएगा तो सब दिक्कत दूर हो जाएगी, और नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कंपनी का जो स्टॉक है, अब अपन टेक्निकल पे आते हैं, अभी जो कंपनी का स्टॉक है वो लगभग 36 रुपये 80 पैसे के करीब है। अब आपको बता दें कि आपको अगर इस रेट, इससे कम रेट पर जितने भी शेयर मिलते हैं आपको ऐड करना है, यानी कि इस रेट पर तो खरीदना ही खरीदना है। अगर आपको 30 पर 31 पर या फिर 29 पर या 25 पर जितने भी शेयर मिले हैं आप इसमें ऐड करते चलिए, यानी कि आप ले लीजिए और 6 महीने के लिए भूल जाइए। 6 महीने के बाद अगर यही स्टॉक आपको 60 रुपये के ऊपर ना मिले तो मुझसे बोलना, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन सही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम सही है। अगर आप टेक्निकली देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये स्टॉक बढ़ रहा था, अभी ये वीकली चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर वीकली चार्ट तभी देखते हैं जब 6 महीने 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप देखें, सीजी पावर का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक 25 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस था, जिस जहाँ पर काफ़ी दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया और अंततः इसने इसको भेद दिया, और भेदने के बाद ये स्टॉक अब बढ़ चला है लगभग 48 रुपये के ऊपर। अब देखिए, इस वीक तो इसमें गिरावट हुई है, तो यही सही मौका है आपको खरीदने का। देखिए, मैंने ये स्टॉक आपको तभी सजेस्ट किया था जब इसका प्राइस 21 रुपये के आसपास हुआ करता था। मैंने इसमें बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखे हैं और 21 रुपये के मेरे 36-38 रुपये पर मैंने कुछ शेयर निकाल दिए और कुछ शेयर मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं और जिसको मैं कम से कम 1 साल तक रखने वाला हूँ।
मैं आपको बता देता हूँ कि जितना नीचे ये शेयर आएगा उतना आपको एडिशन करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपने 36 में खरीदा है, और नीचे है और ऐड करिए, और नीचे है और ऐड करिए। मैं बता देता हूँ आपका इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48 रुपये के आसपास है। आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको स्टॉक अगर पार कर लेता है तो आपको 64 रुपये, और फिर 64 रुपये के बाद 85, और उसके बाद 100 रुपये के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए लेकिन फंडामेंटली आधार पर अगर मैं बोलूं तो कंपनी देखिए बहुत ही बढ़िया है, ब्रांडेड कंपनी है। आपने अपने जीवन में एक ना एक बार इसका नाम ज़रूर सुना होगा, तो आपको इस कंपनी पर भरोसा करना चाहिए। और मेरी राय अगर मैं मानूं तो इसको आपको बहुत सारे शेयर बाई करके, बहुत सारे नहीं तो जितना आपका कैपेसिटी है उतना शेयर आपको बाई करके रख लेना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस स्टॉक में अगर आपको कम फायदा हो तो कह नहीं सकते, लेकिन आपको लॉस नहीं हो सकता। मैं आपको बोल सकता हूँ दावे के साथ कि लगभग 30% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें 30 रुपये के भाव पर भी कुछ शेयर खरीदे थे, उसमें मुझे अभी लगभग 20% के करीब मुनाफा हो रहा है। तो देखिए तुरंत मुनाफा बढ़ जाता है, इसमें अपर सर्किट लगते हैं बहुत ज़्यादा। आज के दिन ये गिरा भले ही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अपर सर्किट आपको लगते हुए नज़र आएंगे। तो कंक्लूजन यही है कि ये रेट अभी जो चल रहा है 36 रुपये 80 पैसे का, ये खरीदने का भाव है। थोड़ा और नीचे जाएगा खरीदते चलें, और नीचे जाए खरीदते चलें, और नीचे जाए खरीदते चलें। आपको खरीदना ही खरीदना है, और आपको ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल 5 रुपये कम हो गया तो 5 पैसा कम हो गया तो आप चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं है। आपको इसको खरीद के रख लेना है, 6 महीने इत्मीनान से बैठिए, 1 साल इत्मीनान से बैठिए। ये अगर आपको 30-36 रुपए का जो शेयर है वो अगर आपको 60 रुपए तक का नज़र नहीं आया ना, तो आप बोलना मेरे से। देखिए मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है इसीलिए आपको दे रहा हूँ और आपका पैसा बनवा रहा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, इसमें आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, सजेशन दिया। आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये केवल और केवल आपका ही फैसला होगा। तो आई थिंक आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।